and I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इस गाड़ी का रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपके लिए फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी है। इसकी आज प्राइस की स्पेसिफिकेशन की डिटेल रिव्यू कर लेंगे। तो रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो ना भूलिएगा। तो चलें आए शुरू करते हैं। तो गाड़ी की फ्रंट लुक की अगर बात कर लेते हैं तो गाड़ी की फ्रंट लुक काफ़ी बल्की लगती है, और अगर आप हेडलाइट को देख लें जहाँ पे आपको हाई लो बीम दोनों यही ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर में जो कि हेलोजन बल्ब और साथ ही जो पार्किंग लाइट है इधर भी आपको हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा नीचे देखें तो आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स है, वो कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल नहीं आते क्योंकि बेस वेरिएंट है, इसलिए आपको यहाँ आफ्टर मार्केट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, बहरहाल इसके अंदर जो कि कंपनी फिटेड नहीं आते। अगर इसकी ग्रिल की बात कर लें तो फ्रंट ग्रिल की आपको देखें यहाँ पर आपको पूरी ग्रिल क्रोम में 3 लेयर्स में मिल जाती है, क्योंकि इसके हर ईयर इसके मतलब थोड़ी थोड़ी चेंजिंग इसकी ग्रिल में आती रहती है। तो इस वजह से जो 2016 के अंदर इन्होंने लॉन्च किया तो उसके अंदर इन्होंने इस तरीके की शेप कर लिया। बाकी और वेरिएंट के अंदर भी आपको ये नज़र आ रही होंगी, तो ये आप देख सकते हैं कि इसे आगे पीछे जितने भी वेरिएंट है सब में चेंज है। तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। गाड़ी की साइड प्रोफाइल देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल है। और गाड़ी के अगर टायर की बात कर लें, इसके साथ जो कंपनी फिटेड आते हैं वो यूरो के टायर्स आते हैं जो कि 175/65/15 में आते हैं, मगर आफ्टर मार्केट उन्होंने लगाएं 185/65/15 के, वो आपकी अपनी मर्जी है, जो आपकी अपनी चॉइस है वो आप लगा सकते हैं। गाड़ी के अगर बैक व्यू मिरर की बात कर लें, ये आपको बॉडी टोन में मिल जाते हैं और साथ ही एलईडी के साथ मिल जाते हैं। रिट्रैक्टेबल नहीं है ये, तो सिर्फ अंदर से एडजस्टेबल है बैक व्यू के लिए, बाकी ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। और अगर गाड़ी के यहाँ पे आउटलाइन की बात कर लेते हैं इसकी शीशों की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई क्रोम की गार्निशिंग नहीं है, और डोर हैंडल जो हैं वो आपको यहाँ पे बॉडी टोन में मिल जाते हैं। तो गाड़ी की बैक लुक की बात कर लेते हैं, तो गाड़ी की अगर बैक लाइट की बात कर लेते हैं तो गाड़ी की जो फिफ्थ जनरेशन थी जो 2009 के अंदर आई थी, तो उसकी लाइट्स और इसकी लाइट में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे आपको जो कि उसकी जो थोड़ी सी इसके साथ चेंजिंग जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। खैर यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे आपको सिटी की बैजिंग मिल जाती है या होंडा का मोनोग्राम, और यहाँ पे आपको क्रोम की थोड़ी सी एक लाइन मिल जाती है। गाड़ी के ऊपर यहाँ पे आपको ABS का और यहाँ पे हाई माउंटेन लाइट मिल जाती है। साथ ही अगर ट्रंक की बात कर लें तो ट्रंक आपको इसकी बोर्ड स्पेस भी दिखा देते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको इसके बम्पर की तरफ लेता जाऊं। इसका बम्पर जो है वो आप देख लें यहाँ पे नीचे डिफ्यूज़र बम्पर का थोड़ा सा ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, और साथ ही उसी के अंदर ही इसके रिफ्लेक्टर जो कि ऐड किए हुए हैं। तो गाड़ी की जहाँ तक बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी जो कि की है इसके ऊपर कोई बटन नहीं है, इसको यहाँ पे आपको की से ओपन करना पड़ता है, नहीं तो आपको आगे से ओपन करना पड़ता है। गाड़ी के अगर बूट की स्पेस देख लें तो एज़ कम्पेयर टू क्रोला के उसके बराबर ही है, और यारिस से तो ज़्यादा है, जो इसके जो कि कंपेटिटर है उससे मुनासिब इसकी जो कि है ज़्यादा है। अगर आप इसके नीचे स्पेयर व्हील की स्पेस देख लें तो यहाँ पे आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि अलॉय में नहीं है, जिस तरह के बेस वेरिएंट इसके अंदर अलॉय व्हील नहीं आता। बाकी इसकी टूल किट है वो आपको मिल जाती है, यहाँ पे पड़ी है, वो आप कहीं पे भी रख सकते हैं इसको। गाड़ी के इंजन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आपको 1.3 लीटर IVTEC इंजन जो कि मिल जाता है 1300 cc में। गाड़ी की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, गाड़ी का अच्छा अगर देखा जाए तो 1300 cc के लिहाज से छोटा साइज़ है इसका, और मतलब एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये नहीं कि इसको निकालने और मतलब अगर दोबारा डालने के अंदर आसानी हो सकती है। क्रोला के इंजन इसके निस्बत जो कि थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में, तो उसको दोबारा अंदर डालने में इसके और एडजस्ट करने में काफ़ी मुश्किल पैदा होती है। और गाड़ी के अगर आप यहाँ देख सकते हैं जो रेडिएटर को यहाँ से आपको फ्रंट ग्रिल के साथ ही अटैच किया एम्बेडेड करके यहाँ पर कवर किया हुआ है, तो ये भी एक अच्छा फीचर। और अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो इसके एयर फिल्टर के लिए छोटी सी इन्होंने जगह बनाई, ये डायरेक्ट एयर फिल्टर के साथ वहाँ पे अटैच हो जाती है जब इसका बोनट बंद करते हैं तब। तो गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लेते हैं, गाड़ी के इंटीरियर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टू टोन में मिल जाता है ब्लैक और बेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेयरिंग व्हील आपको 3 स्पोक में मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसका होंडा का मोनोग्राम मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेयरिंग व्हील में एक हॉर्न का ऑप्शन मिलता है, उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलते। बेस वेरिएंट है, यहीं पे आपको अगर राइट साइड पे देखें आपको यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे आपको इसके फ्रंट जो कि वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें यहाँ पे आपको 4 एयरवेंट्स मिलते हैं टोटल, एक राइट साइड पे, 2 दरमियान में और एक आपको पैसेंजर साइड पे मिल जाती है। राइट साइड वाला जो एयरवेंट है इसके नीचे यहाँ पे आपको कॉइन्स के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे आपको बटन दिए हुए हैं, मगर यहाँ पे बेस वेरिएंट है इसलिए यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से फॉग लैंप्स इंस्टॉल करवाना चाहें तो उसके यहाँ पे आप बटन एडजस्ट करवा सकते हैं, जो भी आप करवाना चाहें वो इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी के अगर सेंटर कंसोल की बात कर लें तो यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट का बटन मिल जाता है, और सिंपल आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया का जो कंट्रोल सिस्टम मिल जाते हैं। और अच्छा एक इसके अंदर ये बात है कि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे आपको ऑक्स और FM का ऑप्शन मिलता है। बाकी अगर नीचे आपको यहाँ पे सारे क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं, और नीचे यहाँ पे आपको सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ नीचे देखें यहाँ पे आपको थोड़े से कार्ड रखने के लिए जगह, और यहाँ 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं।
गियर लेवल की बात कर ली जाए तो ये आपको 5 ट्रांसमिशन में मिल जाता है, जो कि मैनुअल के अंदर जो कि इसकी गियर शिफ्टिंग है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत सॉफ्ट है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें यहाँ पे भी आपको बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, साथ ही आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाड़ी के आर्म रेस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आर्म रेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल नॉर्मल सी स्पेस मिल जाती है, जितनी यारिस और एल्सविन के अंदर मिलती है इतनी ही आपको इसके अंदर स्पेस मिल जाती है। बस रोक दें। तो गाड़ी के वैनिटी मिरर की बात कर लेते हैं, तो आपको सनशेड्स के अंदर ड्राइवर साइड पे कोई नहीं मिलता, ना ही आपको यहाँ कोई पॉकेट मिलती है जिसके अंदर आप अपने टोल टैक्स वगैरह की टिकट रख सकते हैं। या अलबत्ता यहाँ पे आपको जो कि पैसेंजर साइड पे आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है। और एक और चीज़ मैंने जो नोट की सिटी के अंदर, जो मुझे एक इसकी कमी महसूस हुई है, आपको फ्रंट कैबिन के अंदर यहाँ पे आपको कोई लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता। और अगर आप बैक साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिड में एक जो के लाइट का ऑप्शन है ये दोनों मिल जाता है, जो फ्रंट कैबिन दोनों को, फ्रंट और बैक को दोनों कवर करता है, मगर मेरे ख्याल में ये फ्रंट साइड पे भी हो जाता तो ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो गाड़ी के ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं, तो ग्लव बॉक्स की स्पेस आप देख सकते हैं इसके कंपेटिटर जो कि यारिस है उसकी निस्बत इसकी स्पेस ज़्यादा है। यारिस के अंदर जो कि इसकी वजह से स्पेस कम है, और उसका जो बीच वाला जो यहाँ पे आपको गियर नॉब है, ये आपको हैंड ब्रेक वाली जगह, वो भी आपको काफ़ी कंजस्टेड सी जगह मिल जाती है, यहाँ पे आपको थोड़ी खुली मिल जाती है, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। तो गाड़ी के अगर यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे भी छोटी सी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आपको कार्ड और कॉइन्स वगैरह होल्ड करने के लिए जो कि छोटी सी जगह मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके प्रीवियस मॉडल से अब इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट की है, और इसकी जो कलरिंग वगैरह वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। मुझे वैसे अगर पर्सनली पूछें तो इस मॉडल का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ज़्यादा पसंद है बनिस्बत इससे पहले वाले जो कि वेरियंट है। अगर राइट साइड पर देखें आप, यहाँ पर आपको फ्यूल की एवरेज की गेज मिल जाती है, और मिड के अंदर आपको यहाँ पर इसके स्पीडोमीटर और यहाँ पर आपको इसका आरपीएम मीटर मिल जाता है। गाड़ी के अंदर आपको छोटी सी एमआईडी मिल जाती है, जहाँ पर आपको ऑडोमीटर और जो इसके ट्रिप ए ट्रिप बी और इसकी एवरेज के जो के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखें आपको यहाँ पे इसकी जो रेंज है, जो इस फ्यूल के अंदर आप इतना कवर कर सकते हैं, उसके अलावा ये आपको इसके किलोमीटर ड्रिवन और ये ट्रिप ए ट्रिप बी और ये आपको एवरेज मिल जाती है कि क्या गाड़ी की करंट एवरेज चल रही है। गाड़ी के जो पिछले वेरियंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। तो गाड़ी के अगर स्टीयरिंग की बात कर लें, ये सिर्फ अप एंड डाउन हो सकता है, ये टेलीस्कोपिक नहीं है। ये देखें आप, इसे ऊपर और नीचे सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक ये नहीं है। बस ठीक है। अगर डोर्स की बात कर ली जाए तो गाड़ी के अंदर ज़्यादातर प्लास्टिक यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं सारे का सारा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फैब्रिक का यूज़ किया हुआ मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ी सी सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाएगी। तो गाड़ी के अगर डोर के कंट्रोल्स की बात करनी है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है मेरे ख्याल में, कि 13 cc में रिट्रैक्टेबल हो जाता तो बेहतर था, बहरहाल कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको एडजस्टेबल मिरर मिल जाते हैं बैक व्यू, ये देखें अगर आप देखें यहाँ पर आपको बैक व्यू एडजस्टेबल मिल जाते हैं, ये आपको विंडोज़ लॉक का बटन मिल जाता है, और ये सारी आपको पावर में मिल जाती हैं। उसके अलावा जो ड्राइवर साइड है ये आपको ऑटो मिल जाती है, बाकी सारी पावर में मिल जाती हैं। और अगर गाड़ी के आप नीचे देखें, यहाँ पे आपको एक स्पीकर का, यहाँ बोतल होल्डर, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है जिसके अंदर आप अपनी फाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो गाड़ी के एसी की अगर बात कर लेते हैं, तो गाड़ी के एसी की अगर थ्रो देखें तो गाड़ी के एसी की थ्रो बहुत ज़बरदस्त है, और जो इसकी कूलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये फील नहीं होने देता कि इसके अंदर गर्मी के अंदर ना गर्मी फील होने देती है, बहरहाल इसके जो थ्रो है और इसकी एसी की कूलिंग है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो गाड़ी की अगर बैक साइड की बात कर लें, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो गाड़ी के अगर एंट्रेंस की और एग्जिट की बात कर लेते हैं, गाड़ी के अंदर अगर लेग स्पेस की बात कर लेते हैं, बैक साइड से आप देखें मैंने सीट फुल पीछे की हुई है, उसके बावजूद भी मेरे पास काफ़ी स्पेस है। और अगर इसके हेडरूम की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी स्पेस है, आप रिलैक्स होकर अपना अगर लंबा सफ़र है वो भी कर सकते हैं। तो और अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊँ इसके अंदर, एज़ कम्पेयर टू यारिस आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ। और इसकी एक और चीज़ बता दूँ, जो बेसिकली इसकी कोशिश आती है वो कपड़े में है, बहरहाल इन्होंने आफ्टर मार्केट लेदर का यूज़ किया हुआ है, रैगजीन वो आपकी अपनी मर्जी है, जो आप मर्जी यूज़ करवाना चाहें वो लगवाना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। तो गाड़ी के अगर बैक सीट की बात है, यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पे 3rd हेडरेस्ट हो जाता तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। और इसके अलावा यहाँ पे आप 3 एडल्ट्स जो कि आराम से बैठ सकते हैं लॉन्ग जर्नी के लिए। और जहाँ तक गाड़ी के सस्पेंशन की बात है, होंडा जो कि आपको पता है एक लग्जरी गाड़ियों में शुमार की जाती है, तो इस वजह से इसकी जो कि सस्पेंशन है वो थोड़ी आपको पता है कच्चे में चलने में थोड़ी
कम ही है, लो है एज़ कम्पेयर टू करोला के। करोला जो क्या है वो इतनी लग्जरी नहीं मानी जाती, मगर ये है कि उसकी निस्बत जो कि होंडा ये लग्जरी मानी जाती है, इस वजह से ये कच्चे पे और ये जो आम स्पीड ब्रेकर गलियों के हैं उसके अंदर नीचे से लग जाती है। तो गाड़ी की जहाँ तक स्पीकर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ चारों दरवाज़ों के अंदर स्पीकर मिलते हैं और आपको बैक साइड पे आपको कोई स्पीकर का ऑप्शन नहीं मिलता। ये है कि सिर्फ आपको चारों दरवाज़ों के अंदर इसके स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। तो होंडा सिटी का एक और फीचर है जिसके बारे में मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। ये देखें, अगर अंदर इसका बटन नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से आप इसको पुश करेंगे तो देखें इसका बटन जो कि ढक्कन है फ्यूल वाला ये खुल जाएगा। उसके अलावा इसको बंद करने के लिए भी एक बड़ा आसान तरीका, यहाँ पर आकर आपको एक मतलब प्रेस करना पड़ेगा, ये बंद हो जाएगा। तो जहाँ तक होंडा सिटी की एवरेज की बात है, फ्यूल एवरेज की, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि होंडा सिटी पाकिस्तान में अगर सेल होती है सबसे ज़्यादा तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल एवरेज की वजह से सेल होती है। गाड़ी की जो कि फ्यूल एवरेज इन सिटी के अंदर है वो आपको 14 किलोमीटर पर लीटर मिलती है, और अगर आप इसको लॉन्ग पे ले जाते हैं या आउट ऑफ सिटी ले जाते हैं तो ये आपको 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है आपको लॉन्ग के ऊपर। तो मेरे ख्याल में एक बहुत ज़बरदस्त एवरेज है, इसी वजह से होंडा सिटी की जो कि रीसेल मार्केटिंग और इसकी सेल परचेज जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू करोला।